बच्चों आप इस वीडियो में पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग करेंट कैरिंग सोलेनाइड। ठीक है, सोलेनाइड के एक्सेस पर आपको क्या करना है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी फाइंड करना है। एक लंबी परिनालिका के अक्ष पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना है। ठीक है, तो आपने क्या किया, एक सोलेनाइड बना दिया है, एक लॉन्ग सोलेनाइड बना दिया है जिसकी लेंथ हमेशा रेडियस से क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एक स्मॉल सेगमेंट लिया है, एक स्मॉल एरिया आपने सपोज किया है ए बी, जिसकी लेंथ को आपने कैसे शो किया है, डी एल से। ठीक है, ये आपने एक्सेस ड्रॉ किया है एक्स वाई, जिस पे आपने पी पॉइंट आपने एज्यूम किया है, जिसको अपन ने ऑब्जर्वेशन पॉइंट बोला है। यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना है आपको, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालना है पी पॉइंट पर। ए और बी को यदि आप पी पॉइंट पर आप पी पॉइंट से आप मिलाते हैं तो इसको आपने किससे डिनोट किया है, आर से डिनोट किया है। ठीक है, बी पी वाई एंगल आपका थीटा है, तो अल्टरनेट एंगल होने के कारण ये एंगल भी आपका क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। ए पी वी एकांतर कोण से ये एंगल भी क्या हो जाएगा, आपका थीटा हो जाएगा। ठीक है, रेडियस आप क्या सपोज कर रहे हैं, ए पी पॉइंट से सिगमेंट का जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या है, एक्स, एक स्मॉल एरिया का जो डिस्टेंस है वो आपने क्या लिया है, एक्स लिया है। ठीक है, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। ए बी अ सिगमेंट ऑफ द लेंथ डी एल, एक आपने सिगमेंट लिया है ए बी, एक स्मॉल एरिया आपने सपोज किया, एक छोटा सा क्षेत्रफल सपोज किया है, जिसकी लेंथ को आपने कैसे शो किया बेटा, डी एल से। ठीक है, एट अ डिस्टेंस एक्स द ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी, जो कि पी पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर है, एक्स डिस्टेंस पर है। वेयर द मैग्नेटिक फील्ड हैज़ टू बी कैलकुलेट, जहाँ पे आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी आपको कैलकुलेट करना है, उसकी गणना करना है। ठीक है, द लाइन सेगमेंट इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द पॉइंट पी, पी पॉइंट से आर डिस्टेंस पर एक छोटा सा सेगमेंट आपने क्या लिया, एक स्मॉल सेगमेंट आपने क्या सपोज किया है, ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिख रहे हैं, देखिएगा, ए पी, ए पी और बी पी इक्वल्स टू आर, क्योंकि स्मॉल सेगमेंट है। यहाँ पर आपको डायग्राम में थोड़ा डिस्टेंस पर लिख रहा है, लेकिन स्मॉल सेगमेंट है तो आप क्या सपोज कर सकते हैं कि ए से पी का डिस्टेंस और बी से पी का डिस्टेंस आपने क्या सपोज किया है, आर। ठीक है, अब इसके पहले आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी फॉर सर्कुलर कॉयल, ठीक है, सर्कुलर कॉइल, तो आपने वहाँ पे एक फार्मूला निकाला था एक्सेस के लिए, मतलब अक्ष पर आपने निकाला था चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर। ठीक है, तो डी वी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू पाई एन नंबर ऑफ टर्न्स डी एन आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये लास्ट जो आपका क्वेश्चन था वहाँ से आपने डायरेक्ट यहाँ पे रिजल्ट लिया है। ठीक है, तो बी पी वाई आपका क्या है, थीटा है, तो पी वी ए, पी वी ए भी आपका क्या होगा, थीटा, अल्टरनेटिव एंगल से। ठीक है, आपने ए से पी वी पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया है ए सी। ठीक है, ड्रॉ अ नॉर्मल ए सी फ्रॉम ए ऑन द पी वी, ठीक है, पी वी के ऊपर आपने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है ए सी। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए सी वी, अपन अब किसकी बात कर रहे हैं, ट्रायंगल ए सी वी की बात कर रहे हैं, त्रिभुज ए सी वी की बात कर रहे हैं। साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, परपेंडिकुलर आपका क्या हो गया ए सी, लंब आपका क्या हो गया ए सी, और कर्ण आपका क्या हो गया, हाइपोटेनियस आपका क्या हो गया ए बी, तो ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन डी एल। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए सी, ए सी और डी एल का क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ए सी इक्वल्स टू डी एल साइन थीटा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आपने कुछ नहीं किया है, ये आपका लास्ट जो डेरिवेशन है आपका जो आपने निकाला है उससे डायरेक्ट आपने रिजल्ट यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक, अब देखिएगा, ट्रायंगल ए पी सी की बात कर रही हूँ मैं, इन ट्रायंगल ए पी सी, तो साइन, ये एंगल क्या है, किससे फॉर्म हो रहा है, ए और बी, स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल जो आपका सेगमेंट है एरिया, स्मॉल जो एरिया उससे फाइंड अपन ने ना फॉर्म हुआ है ये डी थीटा एंगल। तो यहाँ पे आप लिख रहे हैं साइन डी थीटा इक्वल्स टू
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लंब अपॉन कर्ण। परपेंडिकुलर आपका क्या है, ए सी है, और आपका जो कर्ण है हाइपोटेनियस है वो आपके पास क्या है, आर है, ठीक है, वो आपके पास क्या है, आर। तो ए सी अपॉन आर। अब ये थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल है, तो साइन डी थीटा को आपने यहाँ पे क्या सपोज कर लेते हैं, डी थीटा इक्वल्स टू ए सी अपॉन आर। तो ए सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आर डी थीटा। ए सी इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, आर थीटा। अब जो लास्ट इक्वेशन थी आपकी कि ए सी इक्वल्स टू आपके पास आंसर आया था डी एल साइन थीटा, ए सी इक्वल्स टू आर डी थीटा। तो इक्वेशन सेकेंड और थर्ड से आप क्या लिख सकते हैं बेटा, आर डी थीटा इक्वल्स टू डी एल साइन थीटा। यदि मैं डी एल की वैल्यू निकालती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा आर डी थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, डी एल इक्वल्स टू आर डी थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखिएगा, यदि आप इस डायग्राम में आप देख रहे हैं तो देखें आप कि यदि आप ट्रायंगल कुछ भी सपोज करते हैं, जैसे ए पी, इसको कुछ भी नाम दे दीजिए, ए पी क्यू कुछ भी नाम दे दें यदि सपोज, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि हाइपोटेनियस आपका क्या बन रहा है, आर बन रहा है, ठीक है। बेस आपका क्या है, एक्स है, और परपेंडिकुलर लंब आपके पास क्या है, जो आपका रेडियस है वो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो परपेंडिकुलर आपका काय का काम कर रहा है, ए। तो यदि आप यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू आप क्या लिख रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप क्या कर रहे हैं, जो आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन आई थी उसमें आप क्या कर रहे हैं, डी एल की वैल्यू और आर स्क्वायर की वैल्यू दोनों ही क्या कर रहे हैं, उसमें पुट कर रहे हैं। तो डी वी इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू पाई एन। अब आपने क्या किया है, डी एल की वैल्यू वहाँ पे आपने लिख दी है आर डी थीटा अपॉन साइन थीटा, आई ए स्क्वायर तो एज इट इज़ है आपके पास, और अपॉन में जो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था उसकी जगह आपने क्या लिख दिया है, आर स्क्वायर, और उसकी पावर क्या है, थ्री बाय टू, टू से तो टू आपका कैंसिल हो गया है। तो डी वी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू पाई एन आर क्यूब, ठीक है, आर डी थीटा अपॉन साइन थीटा आई ए स्क्वायर। एक आर से यदि एक आर कैंसिल होता है तो क्या बचेगा बेटा आपके पास, आर स्क्वायर। तो डी वी इक्वल्स टू आप लिख रहे हैं म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू पाई एन आर स्क्वायर आई ए स्क्वायर। इसको मैंने इस टाइप से अरेंज कर लिया है, डी थीटा अपॉन साइन डी थीटा को मैंने बाद में ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर यदि आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपॉन में साइन थीटा आ रहा है, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, साइन थीटा आ रहा है अपॉन में, अपॉन में क्या आ रहा है आपका, साइन थीटा आ रहा है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं आप, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिख रहे हैं, साइन थीटा की यदि आप वैल्यू निकालते हैं सपोज यहाँ से, तो आप क्या लिख रहे हैं, साइन थीटा की यदि आप वैल्यू निकाल रहे हैं तो ए ए अपॉन ये क्या हो जाएगा, पी वी भी आपका क्या है, आर। तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस ए अपॉन आर। तो ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा, ए इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, आर साइन थीटा। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू आपको किसके फॉर्म चाहिए, ए स्क्वायर का फॉर्म चाहिए, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आप ए स्क्वायर की वैल्यू आप कहाँ पुट कर दीजिए, इक्वेशन नंबर फोर में पुट कर दीजिए, तो आप क्या लिख रहे हैं, डी वी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू पाई एन आई अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, आई एज इट इज़ आपने लिख दिया है, ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या हो गई है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, डी थीटा आपके पास पहले से ही है अपॉन साइन थीटा। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो डी वी इक्वल्स टू आप क्या लिख रहे हैं, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू पाई एन आई साइन थीटा अपॉन सॉरी साइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। तो डी वी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू पाई एन आई साइन थीटा डी थीटा, ठीक। अब आपके पास जो भी इंटेंसिटी आई है वो किसके लिए आई है, स्मॉल एरिया के लिए आई है ना, जो भी तीव्रता आपको मिली है आपने एक छोटे से क्षेत्रफल के लिए आपने निकाली है। अब आपको क्या करना है, पूरे लॉन्ग सोलेनाइड को कवर करना है, मतलब पूरी सोलेनाइड को कवर करना है, मतलब एम से लेके एन पॉइंट तक आपको क्या करना है, कवर करना है। तो जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए, वैसे यहाँ पर आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे आप,
हाँ, यहाँ पर आपको क्या करना है, लॉन्ग सोलेनाइड पर आपको मैग्नेटिक इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो आपने क्या किया है, पी पॉइंट को एन से कनेक्ट कर दिया है, पी पॉइंट को आपने एम से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ का जो एंगल है, जो पी और एन का जो एंगल है, उसको मैंने यहाँ पर थीटा वन से सपोज किया है, और यहाँ पर मैंने क्या किया है, इस पूरे एंगल को आपका क्या आएगा, थीटा टू से यहाँ पर सपोज किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, बी इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ डी वी एम टू एन, यहाँ पे थीटा वन टू थीटा टू आपने लिमिट अप्लाई किया है, म्यू नॉट अपॉन 4π 2π एन आई साइन थीटा डी थीटा। तो वी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4π 2π एन आई थीटा वन टू थीटा टू साइन थीटा डी थीटा। इंटीग्रल किसका होगा, साइन थीटा का, और अदर टर्म्स क्या हो जाएंगी, बाहर हो जाएंगी। साइन थीटा का क्या हो गया इंटीग्रल, माइनस कॉस थीटा, लिमिट क्या आ गई आपके पास, थीटा वन टू थीटा टू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट आप पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा टू, माइनस थीटा वन की लिमिट पुट करते हैं तो माइनस कॉस थीटा वन, ठीक है। तो वी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4π 2π एन आई कॉस, अब माइनस माइनस प्लस, कॉस थीटा वन माइनस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा टू वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसका मैग्नेटिक इंटेंसिटी का फार्मूला आपके पास फाइनल आंसर आएगा, वी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4π 2π एन आई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक। और इसके स्पेशल केसेस में आप देख लीजिए कि यदि आपका थीटा वन आपका क्या हो जाता है 90 डिग्री, या थीटा टू आप क्या लेते हैं 180 डिग्री लेते हैं, तो वी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4π 2π एन आई कॉस 90 माइनस कॉस 180। कॉस 180 की वैल्यू -1 है और कॉस 90 की वैल्यू 0 है, तो वी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4π 2π एन आई 0 माइनस कॉस 180 -1 माइनस माइनस प्लस, 1 का इंटू 2π एन में आएगा, सेम वैल्यू आ गई 2π एन आई, पाई से पाई कैंसिल हुआ, 2 का आप 4 को आप 2 टाइम्स कैंसिल कर रहे हैं, तो आप पे आएगा म्यू नॉट अपॉन 2 एन आई, ठीक है। तो वी इक्वल्स टू आपके पास आएगा म्यू नॉट अपॉन 2 एन आई वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब सेकेंड केस यदि आप देखना चाह रहे हैं, तो थीटा वन आपके पास क्या है 0, थीटा टू आपने क्या ले लिया 180, तो म्यू नॉट अपॉन 4π 2π एन आई कॉस थीटा वन 0 माइनस कॉस थीटा टू की वैल्यू है आपके पास 180, ठीक है। कॉस 0 आपके पास क्या है 1, कॉस 180 आपके पास आएगा -1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, 2 का इंटू 2 में होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 4। तो म्यू नॉट अपॉन 4π एन आई, 4π से आपने 4π कैंसिल कर दिया, म्यू नॉट एन आई वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपके दो केसेस आपने सॉल्व किए हैं, जिसका आंसर इस टाइप से है कि वी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 एन आई एंड बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके।